राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और परिणाम 3 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने लगभग उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। दोनों पार्टियों की लिस्ट आते ही बगावत की खबरें भी सामने आने लगी हैं। बीजेपी की तरफ से जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि इस बार चुनावी प्रत्याशियों की लिस्ट में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की एक नहीं चली। टिकट कटने से कई वसुंधरा राजे समर्थक नाराज चल रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ खबर यह है कि सीएम अशोक गहलोत से कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अशोक गहलोत से राहुल गांधी क्यों नाराज हैं? गहलोत की किस बात से आखिर राहुल गांधी को नाराजगी हुई है? भारी मीटिंग में राहुल ने गहलोत से क्या सवाल पूछ दिया जिस पर यह चर्चा तेज हो गई कि राहुल नाराज हैं। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अब तक सभी उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। इसे लेकर दिल्ली में पार्टी के चुनाव समिति की मीटिंग हुई और बीते दिन की बैठक में बताया जा रहा है कि कुछ नामों पर मुहर लग गई है, बाकी नामों पर फिर से मंथन की उम्मीद है। सोमवार की बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी नाराज हो गए और उनके और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच कहासुनी हुई। सोनिया गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने इशारे से दोनों को चुप कराया। राहुल की नाराजगी की एक वजह यह भी है कि अभी तक सभी कैंडिडेट फाइनल क्यों नहीं किए गए। बात एंटी इनकम्बेंसी की है। कांग्रेस ने राजस्थान में अब तक 95 उम्मीदवार फाइनल किए हैं और 105 उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली मीटिंग में बताया जा रहा है कि 65 से 70 नाम फाइनल किए गए। इस बीच राहुल ये देखकर खफा हुए कि अशोक गहलोत अपने करीबियों को टिकट देने की जद्दोजहद में लगे हैं, खासतौर पर उन्हें जिन्होंने बकौल गहलोत 2020 में उनकी सरकार बचाई। पार्टी की दूसरी लिस्ट में एक साथ 5 निर्दलियों को टिकट दिए जाने की बात छिपी नहीं है। अन्य दलों के नेता विधायक को भी टिकट दिए गए और दिए जाने की संभावना है। आलाकमान गहलोत पर आखिरी घड़ी में एक सीमा से ज्यादा अपनी बात नहीं थोपने देना चाहते, लेकिन सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले पर गहलोत की सरकार बचाने, मौके पर साथ देने जैसे तमाम तर्कों के बाद भी राहुल गांधी ने उनसे कुछ तीखे सवाल पूछ लिए। राहुल के मुताबिक 3 महीने पहले गहलोत केंद्र नेतृत्व को भरोसे में लिए हुए थे कि राज्य में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कुछ विधायकों से जनता नाराज है और नाराजगी सिर्फ कुछ सीटों पर ही है। करीबियों को टिकट देने पर भी पार्टी कार्यकर्ता का विरोध देखने को मिल रहा है। जबकि कैंडिडेट फाइनल नहीं किए जा सके हैं और जैसे जैसे उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा है, राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी सामने आ रही है। गहलोत के निर्दलीय विधायक को टिकट देने का भी विरोध हो रहा है। दौसा जिले की महुआ सीट से गहलोत के जिद पर पार्टी ने ओम प्रकाश हुडला को टिकट दिया है, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता इसके विरोध में उतर आए। 2020 में सत्ता पर संकट के दौरान गहलोत के मुताबिक उन्होंने सरकार का साथ दिया था। नाराजगी सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच ही नहीं है, टिकट कटने से नाराज विधायक पार्टी को खुली चेतावनी दे रहे हैं। बीकानेर पश्चिम में राजकुमार किराडू कांग्रेस को हराने के अभियान में जुटे हैं। अब सवाल यह है कि नए लोगों को मौका क्यों नहीं दिया गया कांग्रेस में? आलाकमान की नजरों में यह छिपा नहीं है कि राज्य में नेता कार्यकर्ता और विधायक की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी वर्किंग कमेटी की बैठक में गहलोत को उनकी बातें याद दिलाते नजर आए। उन्होंने कहा कि आप 3 महीने पहले कह रहे थे कि हमारी सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि उनका विकल्प नहीं बचा है। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि अगर ऐसा था तो फिर आपने उन सीटों पर सेकेंड लाइन तैयार क्यों नहीं की। राहुल के कहने का मतलब ये है कि जिन सीटों पर विधायकों के खिलाफ नाराजगी थी और गहलोत को इस बारे में जानकारी भी थी, तो वहां नए लोगों को मौका क्यों नहीं दिया गया। अब देखना है कि गहलोत और राहुल गांधी के बीच की नाराजगी की यह खबर कितनी पुख्ता है और क्या यह चुनाव में कांग्रेस के लिए एक परेशानी बनेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।